हरियाणा में एक के बाद एक सियासी पाला बदल रहे कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए मुश्किलों की रफ्तार को और बढ़ा दिया है, जिससे कांग्रेस की सियासी पाला कमजोर होती दिख रही है। अब कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जलेब खान ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, जिससे हरियाणा में बीजेपी की राजनीति को एक नई हवा मिलती दिख रही है। हरियाणा में 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीति में बीजेपी ने सेंध लगाते हुए उसे एक बड़ा झटका दिया और अपनी सियासी पाले में जलेब खान का स्वागत करते हुए अपनी सियासी पाले को मजबूत कर लिया। जलेब खान के साथ करीब 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सबको साथ लेकर के सबके विकास का जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के आज सारे प्रदेश के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, और हमारे इस मेवात के क्षेत्र में भी जो हमारा भतीन विधानसभा क्षेत्र का कोट गांव बड़ा गांव है, आज यहाँ पर भी जैसा कि आपने देखा कितना उत्साह और जोश है, और हमारे बहुत साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी को परास्त करके भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम और झंडा फहराएगा, ऐसा यहाँ देख करके लगता है। जलेब खान के बीजेपी में शामिल होते ही अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर सियासी पंडितों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी। कहा जा रहा है जलेब खान के बीजेपी में शामिल होने से अल्पसंख्यकों के वोट बीजेपी की पाले में गिर सकते हैं, जिससे बीजेपी को 2019 में बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, विकास की जो लहर चल रही है, उससे प्रभावित होकर के आज बहुत बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर चाहे विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे हतीन के अंदर बाईपास निकालने की बात हो, चाहे हतीन विधानसभा क्षेत्र और पलवल जिले के अंदर विकास कार्य करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ विकास राशि दी है, इसको लेकर के आज यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। में शामिल होने से भले ही अल्पसंख्यकों को लेकर साधने की अटकलें लग रही हूं, लेकिन ये 2019 के चुनाव में ही पता चलेगा कि जलेब खान बीजेपी में अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने में कितने कामयाब होते हैं। हरियाणा से टोटल न्यूज के लिए पलवल से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।